नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए न्यूज 24 सीमांचल में सीमांचल सहित पूरे बिहार की बड़ी खबरों को। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व अमर विधायक अख्तर उल ईमान ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के साथ लेकर भैसा प्रखंड अंतर्गत आसजा, पोखरिया, काशीबारी, मलहना, जहरामपुर, राजवंशी टोला में नदी कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया एवं विभाग को जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य कराने का आदेश दिया। आपको बता दें कि अख्तर उल ईमान लगातार क्षेत्र का दौरा कर नदी से कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और विभाग को सूचित भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य को शुरू किया जाए। किशनगंज उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता हासिल किया है। रविवार की सुबह ब्लॉक चौक में जांच के दौरान दो कार से 126 लीटर यानी कि 336 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। तीन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। मधेपुरा ले जा रही थी शराब। ठाकुरगंज विधायक सऊद असरार ने दिगल बैंक के दरगाह दईबात गाँव के निवासी चांद प्रसाद का नदी में डूबने से मृत्यु हो गया था। खबर सुनते ही विधायक सऊद असरार ने गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिले एवं सद्भावना दी तथा मौके से मुआवजा के लिए संबंधित अधिकारी से बात कर जल्द मुआवजा देने की बात कही। पटना में चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर, किशनगंज के विधायक इजारुल हुसैन, बिहार विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिसमें विधायक इजारुल हुसैन ने शिक्षा के प्रति सभा को संबोधित किया। शनिवार को तेज हवा और बारिश के कारण टेरागाज प्रखंड के झाला चौक के निकट एक बाइक सवार पर पेड़ गिरने से आई हल्की चोट, ग्रामीणों की मदद से इलाज जारी, वहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पेड़ को रोड से हटाया। अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बकरीद के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई अद्यतन तैयारियों की प्रखंड एवं थानावार गहन समीक्षा। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बकरीद पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक अविलंब आयोजित करें।